आपकी आवाज। बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग में गठबंधन के नाम पर मुहर, इंडिया होगा नया नाम, कांग्रेस का ट्वीट, इंडिया जीतेगा। विपक्षी नेताओं ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ममता ने कहा देश के लोगों की जिंदगी खतरे में, केजरीवाल ने कहा मिलकर बीजेपी को हराएंगे, इंडिया को जिताएंगे। विपक्ष की बैठक को राहुल गांधी ने बताया सार्थक, कहा बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है लड़ाई। बेंगलुरु में विपक्ष की मीटिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्ट्राइक, बोले कट्टर भ्रष्टाचारियों का हो रहा है सम्मेलन, चेहरे पर चेहरा लगाने वालों से सावधान। विपक्ष की बैठक पर शरद पवार का ट्वीट, लिखा हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बेंगलुरु में कई जगहों पर बिहार के सीएम नीतीश के पोस्टर, नीतीश को बताया मौका परस, पीएम कैंडिडेट, ब्रिज हादसे को लेकर भी निशाना। बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी का बयान, कहा बेंगलुरु में कांग्रेस ने की नीतीश की बेइज्जती, पोस्टर लगाकर बताया अनस्टेबल। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्षी दलों की बैठक पर कसा तंज, कहा बैठक का कोई असर नहीं, सारे विपक्षी चले जाएंगे बंगाल की खाड़ी में। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार का बयान, कहा बीजेपी सोचती है कि वो बड़ा खतरा है, अब कांग्रेस इनसे लड़ने को तैयार। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमार स्वामी का कांग्रेस पर तंज, कहा सत्ता के लालच में सरकारी मशीनरी को काम पर लगाया। नीतीश पर जीतन राम मांझी का बड़ा अटैक, नीतीश अगर विपक्षी गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो उनको सद्बुद्धि के लिए करूंगा प्रार्थना। जीतन राम मांझी का बयान, बिहार में हर क्षेत्र में फेल हुए नीतीश, इनके राज में भ्रष्टाचार, गरीबों का शोषण बढ़ा। विपक्षी एकता पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, पीएम मोदी के मुकाबले में कोई नहीं, जिनको एक्सरसाइज करना है उनसे क्या दिक्कत। विपक्ष की बैठक पर बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, देश को बचाने के लिए बैठक जरूरी है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बड़ा बयान, मोदी सरकार पूरी तरह से विफल रही, 2024 में सरकार बदल जाएगी। दिल्ली में एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल, दिल्ली के अशोक होटल में बैठक। एनडीए पर बोले ओम प्रकाश राजभर, देश में विपक्ष कहीं लड़ाई में नहीं, बीजेपी का पूरे देश में जनाधार। ओम प्रकाश राजभर पर अखिलेश का बड़ा आरोप, अखिलेश के साथ नहीं चलेगा कोई गठबंधन, वे किसी को नेता नहीं बनने देते। एनडीए मीटिंग पर बोले शिवसेना नेता दीपक केसरकर, विकास ही एकमात्र मुद्दा, पीएम मोदी के नेतृत्व में हो रही है भारत की तरक्की। एनडीए की बैठक को लेकर पशुपति पारस का बड़ा बयान, 2024 में एनडीए को दो तिहाई बहुमत मिलेगा। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे में जंग तेज, पशुपति पारस ने सीट पर दावा ठोका, हाजीपुर से मैं सांसद तो मेरा अधिकार। पशुपति पारस ने कहा पासवान जी मुझे उत्तराधिकारी बनाकर गए, सूरजपुर से पश्चिम से उग जाए ये संभव नहीं। चिराग पासवान ने भी हाजीपुर सीट पर ठोका दावा, कहा सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी चुनाव, हाजीपुर मेरे लिए हमेशा मुद्दा रहा। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 21 जुलाई को होगी सुनवाई।